उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया ब्लॉक कानकी श्री जैन विद्या मंदिर हाई स्कूल में आज द्वारे सरकार कैंप के माध्यम से राज्य सरकार की कई मुख्य योजनाओं के आवेदन जमा किए गए, जिसमें हाल ही में लागू हुई पश्चिम बंगाल सरकार की लखीर भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को जिनका स्वास्थ्य साथी कार्ड है उन्हें 1000 रुपये और 500 रुपये मिलेगा, काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी सारे आवेदन लिए गए। इस योजना की अनाउंसमेंट होने के बाद महिलाएं काफ़ी तादाद में आवेदन जमा करती हुई नजर आई। द्वारे सरकार कैंप में प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा और फ्री फॉर्म फिलअप करने की भी व्यवस्था रही। प्रशासन की तरफ से लगातार माइक पर अनाउंसमेंट होती रही, जिससे लोग परेशान नहीं हुए और अलग अलग काउंटर में जाकर अपने अपने आवेदन जमा कर घर वापस आए। चाकुलिया ब्लॉक के BDO कन्हैया कुमार रॉय पूरे दिन कैंप में मौजूद रहे और वहां रहकर बारीकी से हर चीज़ का जायजा लिया। किसी को किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया। सबसे पहले तो आपका चाकुलिया टाइम्स को धन्यवाद देंगे, जो आज आप यहाँ पर हम लोगों का जो द्वारे सरकार प्रोग्राम चल रहा है इसको कवर करने के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा आदमी लखी भंडार के और ज़्यादा आकर्षित हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म दिया जाता है। उसके बाद जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बना है उसका भी फॉर्म दिया जा रहा है स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ही फॉर्म आदमी ले रहे हैं। और लखी भंडार के लिए मैक्सिमम लड़की लोग औरतें लोग आकर के फॉर्म लेकर के यहाँ हम लोगों के तरफ से फॉर्म फिलअप करने का काउंटर भी किया गया, फॉर्म फिलअप करके देते हैं या कोई भर के लाता है वो भी साथों साथ जमा होता है। कुछ देर पहले हमारे BDO साहब भी आए हुए थे यहाँ, वो भी घोषणा करके गए, वो अपने बोल के गए सबको। हमारे OC साहब हैं, IC साहब हैं, प्रशासन के तरफ से बहुत ही ज़्यादा हम लोग का हेल्प किया जा रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही लंबी कतारें लग गई थी लोगों का, खास करके महिलाओं का। अभी तो थोड़ा भीड़ कम हुआ है क्योंकि दोपहर का वक्त हुआ। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री जो ये प्रोग्राम चला रही है द्वारे सरकार, खास करके लखी भंडार के लिए, ये बहुत ज़्यादा उत्साहित है, आदमी बहुत खुश हैं इस पर इसमें हिस्सा लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, लाभ ले पाएंगे इसमें। ज़्यादातर लखी भंडार के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, और भी काउंटर है, 11 टोटल काउंटर हैं हमारे यहाँ। सभी काउंटर में कम उमेज भीड़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लखी भंडार और स्वास्थ्य साथी में ही भीड़ हो रहा है। जहांगीर आलम, तृणमूल कांग्रेस के जिला कमेटी के सदस्य। सर्वप्रथम धन्यवाद जाना अपना के अपना चैनल के। आज के जे द्वारे सरकार, एर आगे जे हमारे द्वारे सरकार हुई सेखने साधारण मानुष आज के भीड़े मूल कारण हे द्वारे सरकार माध्यम जो उपकारगुलो पे जार नजर शुद्ध पश्चिम बांगला ना, यहाँ भारतवर्षर ख्याति। और आज के सबसे विशेषकर महिला क्षेत्र जे मैंने ऊर्धे 25 अनूर्ध 59 बचर जो लक्ष्मी भाण्डार जो प्रकल्प, जे प्रकल्पर मध्यमे SC ST और जेनारे कस्टर जे सम्मानिक 500 और 1000 टाका मैं पा, जार जन्े एर आगे जो द्वारे सरकार जेहेतु पब्लिक उपकृत हो तई মমতা ব্যানার্জির এই প্রকল্পের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রয়েছে বলে আজ কে প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা পরিবারের এই যে মহিলাদের যে ভিড় তারা পাবে এই আশায় আজকে কিন্তু এখানে মানে এসেছে। এবং কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যথেষ্ট শৃঙ্খলা পরায়ণ আমাদের এই এলাকার বাসিন্দারা, তারা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে আজকে এখানে ফর্ম নিচ্ছেন এবং জমা করছেন। তো এই কাজটাই আরও সুবিধার্থে আমাদের যেটা গাইডলাইন এসছে আগামীতে হয়তো এভাবে ক্যাম্পে না জমা করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভিত্তিক এই ফর্মগুলো জমা হবে, এবং যাতে পাবলিকের আরও মানে সুবিধা হয় সেই জায়গাও আমাদের সরকারের নজর রয়েছে। বিপ্লব মণ্ডল, চাকুলিয়া ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেস ভাইস প্রেসিডেন্ট।